अगला क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, हमें कितने ग्राफ्ट की नीड है या कितने बालों की नीड है, हेयर ट्रांसप्लांट में किस तरह का एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, कि हेयर ट्रांसप्लांट में कोई रिस्क तो नहीं है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना जरूरी है ताकि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सही डिसीजन ले पाए। आज की इस वीडियो में आपको हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े सारे मिथ्स और क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आंसर करने वाला हूं और सारे जो मिथ्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना जरूरी है ताकि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सही डिसीजन ले पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और अपने पिछले 7 साल के प्लास्टिक सर्जरी के अनुभव के द्वारा अपने मरीजों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी सख्त ज़रूरत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है जो पेशेंट पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, तो इसमें बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें हम जिस मरीज को जिस दिन बुलाते हैं उसी दिन हेयर ट्रांसप्लांट करके डिस्चार्ज कर देते हैं। जिस दिन हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाता है उस दिन मरीज को एडमिट किया जाता है और उसके सिर पर हेयर लाइन मार्क की जाती है कैसे हम बाल लगाने वाले हैं। उसके बाद में उसके जो स्कैल्प है उसको बीटाडीन सॉल्यूशन से प्रिपेयर करके और उसके बाद में डोनर एरिया को एनेस्थेटाइज किया जाता है। एनेस्थेटाइज करने के बाद हम एक एक करके बाल निकालते हैं FUE मेथड से और उनको आगे की तरफ ट्रांसप्लांट करते हैं। अगला जो लोग आमतौर पर पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के दिन मेरे साथ क्या क्या होगा, तो मैं बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट के दिन आपका एडमिशन करके आपकी हेयर लाइन मार्क की जाएगी, उसके बाद में आपके स्कैल्प को प्रिपेयर करके एनेस्थेटाइज किया जाएगा। उसके बाद में एक या दो लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपके बालों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन बालों को ग्रोथ फैक्टर्स में कंसंट्रेट करके इन्हेंस किया जाता है और उसके बाद में जो खाली एरियाज होते हैं उनमें इम्प्लांट किया जाता है। इसके बाद में जब हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो जाता है तो ड्रेसिंग करने के बाद और आपको दवाइयों का एडवाइस करने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें कितने ग्राफ्ट की नीड है या कितने बालों की नीड है, तो मैं बता दूं कि जो ग्राफ्ट की नीड है वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ही बता पाते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे तो आप हमें हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर अपना स्कैल्प का फोटोग्राफ भेज सकते हो तो हम आपको बता पाएंगे कि आपका कितने ग्राफ्ट की नीड होगी और वो आपका एक बार में सर्जरी हो सकती है या एक से ज़्यादा बार में होगी। अगला क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक बार में हो जाएगा या दो बार में करना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपके हेयर स्कैल्प में बालों की कितनी नीड है, आपके डोनर एरिया कितना है और आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसा है। अगर आपके बहुत कम बालों की नीड है और डोनर एरिया एडिक्वेट है तो एक बार में ही सर्जरी की जा सकती है। अगर डोनर एरिया कम है और जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हो सकता है कि दो बार में सर्जरी करनी पड़े और कई बार पेशेंट की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि हम एक बार में बहुत सारे ग्राफ्ट लगा सके, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको 1 साल के गैप में दूसरी सर्जरी करते हैं। इस बीच में पेशेंट अपने पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और उस बीच में उनका जो पहला ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हो जाता है और फेशियल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट में किस तरह का एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वरी हो रही है या उसका हीमोडायनेमिक स्टेटस सही नहीं है तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत सेडेशन दिया जाता है, पर मोस्टली केसेस में लोकल एनेस्थीसिया में ही पूरी सर्जरी आराम से हो जाती है। पेशेंट्स कई बार पूछते हैं क्या मैं होश में रहूँगा हेयर ट्रांसप्लांट के बीच में या फिर मुझे बेहोश कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट के पूरी प्रोसीजर के दौरान आप कम्प्लीटली होश में रहते हो। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के बीच में आपके जो लंच ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक भी होते हैं, आप बीच में वॉशरूम भी जा सकते हो। हमारे सेटअप में
हम क्या कहते हैं पेशेंट्स को म्यूज़िक भी सुनने को अलाउ करते हैं, और इवन वो चाहें तो अपना कुछ वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, तो वो भी इस बीच में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मरीज पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में कोई रिस्क तो नहीं है, तो मैं इसका आंसर ये देता हूँ कि हर तरह की सर्जरी में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। हेयर ट्रांसप्लांट में भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत पेन या फिर कुछ इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। अगर आप डॉक्टर की सलाह को ठीक से फॉलो करते हैं तो ये रिस्क बहुत मिनिमम होते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिन तक रह सकता है, जो कि आराम से दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पहले आपको एक अच्छे से डॉक्टर को ढूंढकर एक प्रॉपर कंसल्टेशन करना है, जिससे कि ये डिसाइड हो सके कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से किया जाएगा, उसमें कितने ग्राफ्ट की नीड लगेगी और कब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको सर्जरी के दिन कौन कौन सी प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, जिससे कि आपकी सर्जरी जो है वो अनइवेंटफुल रह सके या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगला क्वेश्चन जो पूछते हैं क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें कोई दवाई बंद करनी पड़ेगी या कोई दवाई स्पेशल चालू करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे आपको बीपी या शुगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपकी डायबिटीज़ की दवाई आपको रेगुलरली लेनी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपको रेगुलरली लेनी चाहिए। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही है और आपके एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं तो आपको कार्डियोलॉजी से कंसल्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको ऑनगोइंग हेयर फॉल हो रहा है तो डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिन पहले से कुछ दवाइयाँ और पीआरपी चालू करते हैं, वो आपको रेगुलरली लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पेशेंट पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन बंद करना पड़ेगा क्या, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाली प्रोसीजर है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आपके जो आउटकम है वो बहुत ख़राब होंगे, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम 15 दिन पहले से स्मोकिंग बंद करनी पड़ती है। और चूंकि अल्कोहल लेने की वजह से ये हो सकता है कि आप ऑपरेशन के बाद में कुछ अपना डैमेज कर लो, इसलिए हम ऑपरेशन के पहले हफ्ते भर पहले से और बाद में करीब 15-20 दिन तक अल्कोहल भी न लेने के लिए एडवाइस करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई मिथ है या कोई डाउट है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली जवाब देता हूं। आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बेहतर मेडिकल कंटेंट बनाने में हेल्प मिलती है, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलें, जो कि आपको रिकमेंडेड सेक्शन में दिखाई देते हैं। मैं आपको जल्दी नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।